बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। मैं आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पतीले में कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ, जो कि एक प्याली से थोड़ा ज़्यादा है। ये इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है कि मैं जो गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें सिर्फ एक प्याली ऑयल ही डालें। और अब मैंने इसके साथ एक अदद प्याज भी कटी हुई डाल दी है। अब इस प्याज को मैं अच्छे तरीके से ब्राउन कर रही हूँ, क्योंकि चावलों के लिए जितना अच्छा प्याज आप ब्राउन करेंगे चावलों का उतना ही अच्छा कलर आता है। अब इसमें मैं ये 2 खाने के चम्मच लहसुन के डाल रही हूँ। अब ये प्याज और लहसुन ब्राउन हो गए हैं, इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि इनका और भी अच्छे से कलर निकल आए। अब मैंने इसमें ये गोश्त भी डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर नमक भी डाल दिया है। और ये तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई भी मैंने इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो इससे ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। नमक मैंने हसबे जायका डाला है, आप भी अपने खानों में जितना नमक डालते हैं उतना ही नमक आप भी इसमें डाल दें। अब मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, जो कि मैंने घर में ही बनाया हुआ है। गरम मसाला बनाने की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब इन मसालों के साथ गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है। इस तरह गोश्त को भूनने से गोश्त का जायका बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे। अब मैंने इसमें 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दी है। अब मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज के कटे हुए टमाटर भी डाल रही हूँ। हमने टमाटरों को ज़्यादा नहीं पकाना। मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपने चावलों के लिए टमाटरों को ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टमाटर पकाएंगे तो आपके चावल गीले गीले आएंगे। गोश्त का मैं आपको बताती चलूं कि ये मैंने तकरीबन 800 ग्राम गोश्त लिया है। आप चाहें तो इसमें 1 किलो गोश्त भी डाल सकते हैं। और इसके लिए मैंने 5 प्याली चावलों की ली है। चावल मैंने सेला बासमती लिए हैं, जिसको कि मैंने पूरी रात पानी में भिगोकर रखा था, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में चावल बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ 6 कप पानी के डाल रही हूँ। क्योंकि जब आप प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं तो उसके लिए कम पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद अब मैं इसका नमक चखूंगी। चावलों में हमेशा नमक ज़रा तेज़ रखा जाता है। नमक चखने के बाद अब मैं इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ
ताकि गोश्त गल जाए। सबसे पहले हमने गोश्त को गलाना है कुकर में। अब ये गोश्त गल चुका है। अब इसमें मैं ये चावल डाल रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोया हुआ है और इसको मैंने पूरी रात भिगोकर रखा था, क्योंकि ये सेला बासमती चावल है, इसको हमेशा ज़रा ज़्यादा भिगोना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी यखनी बनाई है, इतनी ही यखनी आपने भी बनानी है। अगर आप प्रेशर कुकर में चावल बना रहे हैं तो आपको इतनी ही यखनी बनानी पड़ेगी। अब मैं चावल बनाने के लिए कुकर पे ढक्कन रख रही हूँ। मैं इसका टाइम आपको इसलिए नहीं बता सकती कि हर एक के पास मुख्तलिफ कुकर होते हैं, हर कुकर की टाइमिंग अलग होती है, इसलिए मैं आपको इसका टाइम नहीं बता सकती। अब ये चावल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं कुकर में चावल बहुत ही मज़े के आते हैं, आप ट्राई करके ज़रूर देखें। कुकर में पके हुए चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार होता है। मैं हमेशा अपने लिए जब भी चावल बनाती हूँ तो हमेशा मैं कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। कुकर में चावल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपको कुकर में चावल बनाने खुद ब खुद आ जाएंगे। अब मैं चावलों को डिश आउट कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।